दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी अच्छे रहें। आज की जो हमारी एक टॉपिक है वो है डीएनए और होम्योपैथी, यानी जीन्स के ऊपर में भी होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो जेनेटिक्स के ऊपर में भी काम करती हैं। आज के युग में हमारे वैज्ञानिक, होम्योपैथिक वैज्ञानिक इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उन लोगों ने रिसर्च करके करके दिन रात की मेहनत करके बहुत सारी नए नए अन्वेषण निकाले हैं। डीएनए अभिव्यक्ति पर प्रभाव डालने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो डीएनए के अभिव्यक्ति पर प्रभाव डालती हैं? पहली जो दवा है वो है कार्सिनोजेन, जेनेटिक्स म्यूटेशन और ट्यूमर सप्रेशन को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसके साथ में जो कार्य करती है वो है एक्सरे और कार्सिनोजेन दोनों जो है वो डीएनए में चेंजिंग को लाती हैं। इसके अलावा थुजा ऑक्सीडेंटलिस डीएनए मेथिलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन पर प्रभाव डालती हैं। हाइड्रोस्टिस कंडेंसिस डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म पर प्रभाव डालने वाली दवाइयों में से एक है। जेल्सिमियम न्यूरोप्लास्टिसिटी और जीन एक्सप्रेशन पर प्रभाव डाल सकती हैं। आर्निका मोंटेना इन्फॉर्मेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस संबंधी जीन एक्सप्रेशन पर प्रभाव डालने वाली दवाइयों में से एक बहुत ही बढ़िया दवा है आर्निका मोंटेना। इसके अलावा जो है एपिजेनेटिक प्रभाव डालने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी हैं? इनमें जो है पहली दवा जो आती है वो है पल्सिटला, हिस्टोन मॉडिफिकेशन और जीन एक्सप्रेशन पर प्रभाव डाल सकती है। लाइकोपोडियम क्लैवेटम, लाइकोपोडियम जो है वो डीएनए मेथिलेशन और जीन नियंत्रण पर प्रभाव डाल सकती हैं। साइलिसिया कोलेजन सिंथेसिस और डीएनए एक्सप्रेशन पर प्रभाव डालने वाली दवाइयों में से एक है साइलिसिया। कैल्शियम कार्बोनिका हड्डी स्वास्थ्य संबंधी जीन एक्सप्रेशन पर प्रभाव डालने वाली दवाइयों में से कैल्शियम कार्बोनिका सबसे बेहतरीन दवा है। फॉस्फोरस डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म पर प्रभाव डालने वाली दवाइयों में से एक है। दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम आप तक जितनी होम्योपैथी के बारे में जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम जानें कि कौन कौन सी दवाइयाँ कहाँ कहाँ काम कर रही हैं और कैसे काम करती हैं, ना कि हम आपका इलाज करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हम सिर्फ जानकारी देने के लिए ही उपस्थित हैं कि होम्योपैथिक बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनमें बहुत ही कारगर साबित होती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया अपने बंधुजनों को अवश्य भेजें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीवन।